सर्वप्रथम अभी हम पैनक्रियाज को टेस्ट करेंगे कि इनके पैनक्रियाज हाँ ये दे दो ठीक है पूरा इनके पैनक्रियाज में कितना दर्द है वो देखेंगे हाथ ऊपर कीजिए ऐसे नहीं ठीक है पैनक्रियाज हम इनका देखेंगे कि उसमें कितना दर्द है ये दोनों हड्डी है ये वाली जो रिप्स होती है ये रिप्स हमारी ऐसे चल रही है इधर ऐसे हम यहाँ टच कर रहे हैं एक मिनट ये दर्द है कितना दर्द है मुझसे बोलिए ये पैनक्रियाज है पैनक्रियाज के नीचे ये स्टोमक है स्टोमक के नीचे ये नेवल है नेवल के नीचे ये महिलाओं में ये क्या होता है चेयर होता है भैया चेयर के ऊपर से चेयर ये पैनक्रियाज पैनक्रियाज के नीचे ये देखिए ये रिप्स है बंद करो भैया ये किसका फोन है ये रिप्स है रिप्स हम ऐसे सीधे जाएंगे ये खड्डा है खड्डे में ये पैनक्रियाज है साइलेंट कर लो अंकल पैनक्रियाज के नीचे ये स्टोमक है बंद करो ये स्टोमक है ठीक है स्टोमक के नीचे ये नेवल नेवल के नीचे ये यूट्रस ठीक है ये वाला पार्ट महिला में यूट्रस और जेंट्सों में क्या है जेंट्सों में प्रोस्टेट ग्लैंड ठीक है जेंट्सों में प्रोस्टेट ग्लैंड यहाँ से अभी ये नाभि है ठीक है नाभि के जस्ट लेफ्ट में ये म्यूकस का एरिया हमारी न्यूरोथेरेपी के अनुसार नाभि के राइट में ये लीवर ये वाला ठीक है जी और इसके ऊपर जो हमारी ये रिप्स है इस रिप्स के नीचे ये स्प्लीन इस रिप्स के नीचे ये गॉल ब्लैडर इस रिप्स के नीचे स्प्लीन और स्प्लीन के जस्ट नीचे मामूली सा ये कवच का एरिया कॉन्स्टिपेशन का ठीक है अब उसके बाद में ये नाभि है नाभि से हम ऐसे आएंगे इधर जहां हमारी ये जो जॉइंट है जॉइंट से जस्ट ऊपर ये इधर क्या है लेफ्ट ओवरी ठीक है ओवरी और जेंट्सों में टेस्टिस ठीक है इधर ये राइट ओवरी और जेंट्सों में राइट तो हम जो न्यूरोथेरेपी का डायग्नोस इस स्टोमक के बेस पर करते हैं पेन पॉइंट चेक करते हैं किसमें कौन सा ज्यादा दर्द है उसी को निकालते हैं अब डायबिटीज कम करने में हम क्या करेंगे कि जो इनकी जो ये जो पैनक्रियाज है इसको हम ऐसे चेक करेंगे देखेंगे कि कितना दर्द है हाँ जी तीखा है अच्छा खासा है थोड़े जैसा दर्द है तो पता लग जाएगा कि हाँ भाई इनका पैनक्रियाज एक्टिवेट नहीं है ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल नहीं है ठीक है एक T8 प्रेस हम देंगे T8 प्रेस डायबिटीज वाले के लिए सबसे दुनिया का अच्छा पॉइंट है T8 प्रेस कैसे देंगे ये जो शोल्डर ब्लेड है हमारा ये ऐसे हम चेक करेंगे इसको छोड़ दो आप छोड़ दो अगर हम ऐसे भी चेक करेंगे तो ये उठ जाएगा हिस्सा ठीक है ऐसे भी चेक करेंगे तो ये जो हमारा ये उठा हुआ है ना ये वाला ठीक है ये उठा हुआ ये दोनों तरफ सेम है ये यहाँ से यहाँ तक इस एरिया में हम देखेंगे एक एरिया में T8 है अगर हम ऐसे चेक करेंगे तो इनको बहुत तीखा दर्द होगा इनका ठीक है हम यहाँ से देखेंगे हाँ जी दर्द है कहीं C8 पॉइंट बताया सर T8 देखिए अभी मैं यहाँ से ऐसे लेके आ रहा हूँ ये ठीक है दर्द है हाँ जी ये दर्द है ठीक है यहाँ से दर्द स्टार्ट है हाँ जी ये है कितना दर्द है हाँ जी ये देखो अभी मैंने ऐसे टच किया ऐसे हाँ जी ठीक है अभी ये मैंने ऐसे किया हाँ जी कितना दर्द है बहुत तेज दर्द है ये T8 है हल्का हल्का डायबिटीज वाले जिस भी व्यक्ति को होगा जिस व्यक्ति को दुनिया में डायबिटीज है इस T8 को हम ऐसे करके क्लॉकवाइज कर सकते हैं ऐसे ऐसे सिर्फ डायबिटीज वाले को ठीक है ऐसे ऐसे दो तीन बारी या हम ऐसे भी कर सकते हैं हथेली से भी क्लॉकवाइज कर सकते हैं ऐसे करके कर दे ठीक है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों ही कर सकते हैं ऐसे ऐसे और फिर उसके बाद में हम ऐसे ऐसे रिलैक्स कर देंगे कितने तक करेंगे इसको हम दो तीन बार क्लॉकवाइज करना एंटी क्लॉकवाइज करना फिर हम दिन में दो बार चार बार पांच बार छह बार जितनी मर्जी बार कर दो लेकिन दो घंटे का गैप रहना चाहिए ये दुनिया का सबसे बेस्ट पॉइंट है पैनक्रियाज को एक्टिवेट करने का और डायबिटीज को कम करने का हाँ जी खाली पेट
खाली पेट नहीं, इसमें जब मर्जी कर दो, ज्यादा भरा हुआ पेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि उल्टे लेटा है, ठीक है। न्यूरोथेरेपी में खाने का देखो क्या लॉजिक है कि जब न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट देते हैं तो इंसान को, मरीज को हम उल्टा भी लेटाते हैं, सीधा भी लेटाते हैं। अब इंसान उल्टा भी लेटेगा और सीधा भी लेटेगा तो पेट में खाना है वो तो फिर हजम नहीं होगा, पेट खराब भी हो सकता है, इसीलिए भूखा पेट रखते हैं एक घंटा सीधे लो। हाँ, दो तीन बार, चार बार। अब दूसरा, पैनक्रियाज को कैसे एक्टिवेट करें? हाथ नहीं ले रुको। अब देखो अगला, अब हम इनके पैनक्रियाज को एक्टिवेट करने के लिए 10 पेन देंगे, 10 पैनक्रियाज, शॉर्ट में पेन बोलते हैं पैनक्रियाज। तो हम क्या करेंगे उसमें कि जो इनकी ये जो हमारी ये जॉइंट है पेल्विक का, हिप का जो हमारा ये, इस जॉइंट से चार उंगल, चार दूनी आठ उंगल नीचे, ज़्यादा आठ हो जाएंगी तो चार और दो छः उंगल नीचे। तो हम इसको ऐसे रखेंगे हाथों को, हम तो मैं हाथों से सिखा रहा हूँ अभी, वैसे हम पैरों से देते हैं ये, ठीक है। वैसे हम ये क्रिया दोनों पैरों से इस प्रकार, इसके नीचे सिराना जरूर रखें अगर पैरों से देंगे तो, हिप के नीचे, अन्यथा हाथों से भी देंगे और हाथों से देंगे तो प्रॉपर वो नहीं आएगा, सिराना था देखो। वो स्टैंड इधर करो आप पीछे वाले, और बहुत बहुत ही सरल पॉइंट है ये, हाथों से भी दे सकते हैं और उसको पैरों से भी दे सकते हैं, बहुत सरल, दुनिया का सबसे बेस्ट तरीका डायबिटीज को कम करने का, इससे बेस्ट तरीका दुनिया में नहीं मिलेगा आपको, इससे बेस्ट तरीका नहीं मिलेगा, ठीक है। कुछ नहीं करना, हमने सिर्फ ऐसे करके वो इसे हिला छोड़ देंगे, आप घबरा रहे, हार्ट फेल तो नहीं होगा ना, ठीक है। ऐसे आराम से, वजन उतना ही जितना इंसान सहन करे। मैंने, हाँ, दर्द है, दर्द है या प्रेशर का दर्द है? वैसा कोई दर्द तो इतना ही सहन जितना सामने वाला इंसान मतलब सहन करे, नहीं तो अन्यथा तो फिर ऐसे करके थोड़ा सा सहारा ले लेना, पूरा वजन नहीं डालना। हम कुर्सी का या स्टैंड का इसलिए यूज करते हैं, बैलेंस बने और पूरा ऊपर ना। अभी 6 सेकंड हम ऐसे काउंट करेंगे, अभी दोबारा देंगे, अभी हमने 6 सेकंड काउंट करना है कंटिन्यू। देखिए ऐसे पैर रखा, 1 2 3 4 5 6, एक बार हो गया, दोनों पैर उठाएंगे, 1 2 3 4 5 6, दो बार हो गया, 1 2 3 4 5 6, फिर दूसरा, तीसरा हो गया ये, 1 2 3 4 5 6, अब ये चौथा, 1 2 3 4 5 6, पांचवा, 1 2 3 4 5 6, छठवा, 1 2 3 4 5 6, सातवा, 1 2 3 4 5 6, आठवा, 1 2 3 4 5 6, नौवा, 1 2 3 4 5 6, दसवां, 1 2 3 4 5 6, ये 10 पेन हो गए, मतलब 10 पेन क्रियाज, ठीक है, 10 पेन क्रियाज। ये पेन क्रियाज यहाँ के दर्द को निकालेगा और डायबिटीज को कम करेगा, पैनक्रियाज को एक्टिवेट करेगा जिससे वो इंसुलिन बनाना चालू करे। और ये क्रिया करो, आपको खुद इसका रिजल्ट पता लगेगा, ये बहुत शानदार क्रिया है, बहुत अच्छी क्रिया है। हम इसको हाथों से और पैरों से कर सकते हैं। अब ये हमने 10 बार दिया, फिर हम 1 मिनट रुकेंगे पूरा, करेक्ट 1 मिनट रुकेंगे। 1 मिनट रुकने के बाद में हम दोबारा से इसको ऐसे 10 टाइम देंगे, फिर 6 सेकंड, 6 सेकंड का खास ध्यान रखें, 6 सेकंड होने पर दोनों पैरों को उठा सकते हैं या एक एक उठा सकते हैं, ठीक है। फिर 10 बार हो जाएगा दूसरी क्रिया में, फिर अब हम क्या करेंगे, 10 और करेंगे, 1 मिनट का गैप देके, पूरा 1 मिनट का गैप देंगे पूरा, फिर हम ये तीसरी बार करेंगे ऐसे 10 पेन देंगे कंटिन्यू, 6 सेकंड फिर उठेंगे, फिर 6 सेकंड फिर उठेंगे, फिर 6 सेकंड, 6 सेकंड कंटिन्यू घड़ी से लगा के फिक्स होने चाहिए, ठीक है जी। तो इसको हम 3 बार देंगे और ये डायबिटीज के लिए सबसे बेस्ट चीज है, डायबिटीज के लिए सबसे अच्छा तरीका है, सबसे अच्छा तरीका। सर, जब ये करेंगे, वो वाला भी, बैक वाला भी, T8 हम कब करेंगे? T8
T8 तो हम कभी भी कर सकते हैं, जिस मर्जी समय इंसान फ्री हो T8 प्रेस कर दो, T8 क्लॉकवाइज कर दो, उसको डायबिटीज में बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, डायबिटीज जो है उसकी कम रहेगी। इंसुलिन वाले को वैसे नॉर्मल डायबिटीज कम रहनी ही है, ये पक्का है, अगर बहुत अच्छा और मन से ट्रीटमेंट दिया, शांति के साथ ट्रीटमेंट दें, जल्दबाजी ना करें। आज के समय में तो जल्दबाजी है, पेशेंट के पास टाइम ही नहीं है। एक क्वेश्चन सबसे पहले रहता है, आप मुझे कितनी सीटिंग में ठीक कर दोगे, इसके पास जवाब है इस चीज़ का? मैं पिछले 15 साल से न्यूरोथेरेपी कर रहा हूँ, आज तक मुझे इस चीज़ का जवाब नहीं मिला कि मैं कितने दिन में सामने वाले को ठीक कर दूँगा। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन रहता है, मुझे आप कितनी सीटिंग में ठीक कर दोगे या दोगी या दोगे। जनाब ऐसा है, 20 साल से दवाई खा रहा होता है, लेकिन आपसे तो सवाल यही पूछेगा। वो दुनिया में जहां मर्जी कर ले, एलोपैथी में 10 लाख रुपए लगा के आ जाएगा, इधर 100 रुपए देने में उसको तकलीफ हुई। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि आप मुझे कितने दिन में ठीक कर दोगे। अरे भाई, हमें पूछ के तेरे को बीमारी हुई थी या तूने हमें पूछ के बीमारी करी थी? फिर गारंटी मांगेगा, फिर कहेगा आपको कुछ सिक्योरिटी है, गारंटी है, अभी चाहे बाहर जाके एक्सीडेंट में मर जाए। मतलब मैं बुरा नहीं बोल सकता, ना बोलना हॉस्पिटल वाले से गारंटी नहीं मांगता, आपसे मांगेगा। मतलब ये क्वेश्चन का जवाब नहीं मिला आज तक, मैं इस चीज से बड़ा परेशान हूँ। बस अब आगे और कोई है डायबिटीज वाला? एक और बताऊंगा अभी सर, ये वाला ट्रीटमेंट ये ट्रीटमेंट दिन में 3 बार 4 बार दीजिए, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, डायबिटीज कम होनी ही है। ये थेरेपी दुनिया की पहली ऐसी थेरेपी है जिसमें कोई इक्विपमेंट्स यूज नहीं किया जाता, कोई औजार यूज नहीं किया जाता, कोई हथियार यूज नहीं किया जाता, कोई ऑयल यूज नहीं किया जाता, कोई मशीन यूज नहीं की जाती, कोई इक्विपमेंट्स यूज नहीं किया जाता, कोई लकड़ी के औजार यूज नहीं किया जाते, कुछ नहीं। सीखो, उसको सीखना बहुत जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है हर इंसान के लिए। मैं तो कह रहा हूँ हर इंसान सीखे और वह लगा दे, आ जाओ भैया फ्री में 1 घंटा सेवा जरूर का। Exciting.